वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता दिया कि हम आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं और वो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अलीहा अहमद कुरैशी। जनाब पेंटर हैं, एमसीए की ग्रेजुएटेड हैं और इतनी जबरदस्त पेंटिंग भी आज लेकर आई हैं, वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे। वेलकम टू द शो अलीहा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा अलीहा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, पेंटिंग एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल मुझे तो लगता है आपको, मेरे ख्याल से अब ऐसा ऐसा आसानी हो गया, कब से कर रहे हो, अब इंस्पिरेशन शौक कैसे हुआ? अच्छा पेंटिंग का शौक बचपन से था, क्योंकि आई यूज टू मेक दीज कार्टून कैरेक्टर्स ऑन पेपर व्हेन आई वाज अ किड। बहुत ज़्यादा मैं इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाती थी। उसके बाद फिर मैंने ओ लेवल्स में भी अपना मेजर सब्जेक्ट आर्ट्स रखा, आर्ट एंड डिज़ाइन रखा। फिर ए लेवल्स में भी मैंने बायोलॉजी की जगह आर्ट एंड डिज़ाइन रखा। उसके बाद फिर आई गॉट इन टू एनसीए और फिर वहाँ से और ज़्यादा। अच्छा आपकी जो स्किल्स हैं या जो भी आपका उसको इन्हेंस करने में कितना रोल समझती हैं एनसीए का भी? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो जो एक मेन स्ट्रीम आपकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट्स होती है ना, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको काफ़ी हद तक ब्रेक करके रीमेक करने में एनसीए का हाथ था। क्योंकि वो जो मेन स्ट्रीम आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो सब हटा के फिर आप उसको एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना शुरू करते हैं, यू रियलाइज के नहीं, इट्स नॉट व्हाट यू थॉट इट वाज, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो फिर जो गाइडेंस भी आपको मिल रही होती है साथ साथ, वो भी आपको एग्जैक्टली। अरे हर आर्टिस्ट को कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन चाहिए होता है और एक फेस चाहिए होता है जिसमें आप कुछ सोच सकें। आपके लिए वो इंस्पिरेशन क्या है? मेरा जो काम था, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि द स्टेज एम ऑन, आप जब एकदम से मतलब ये सब सीखते हो तो आप खुद से स्टार्ट करते हो, मतलब आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आप खुद होते हो, क्योंकि आप अपनी वो सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड पेंट कर रहे होते हो जो आप बोल नहीं सकते, जो आप मे बी लिख नहीं सकते, वो मैंने अपने पेंटिंग्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। मेरा काम बेसिकली वॉज इंस्पायर्ड बाय माई मदर्स लाइफ, और क्योंकि शी इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो वहाँ से जो उनकी स्ट्रगल्स थी, द थिंग्स दैट वी आर ट्रेन्ड टू हाइड एज अ वुमेन इन ऑल ऑफ दैट, और फिर यू नो ग्रोइंग अप इन दिस सोसाइटी विदाउट अ फादर फिगर, और ये सब चीज़ें, वो सारी स्ट्रगल एग्जैक्टली वो मैंने पेंट करने की कोशिश की, क्योंकि आई वॉज पेंटिंग दिस आइडिया ऑफ अ फेस्टरिंग वुंड, विच इज़ दिस कॉन्सेप्ट, दिस सब्जेक्टिव आइडिया इन माई हेड, जो मैं बताना चाह रही थी कि यू नो द कंटेमिनेशन ऑफ एन अंडर सर्फेस, जो कि वो सब एक्सपीरियंसेस, वो सब बातें जो आपके अंदर रह जाती हैं, यू कैन नॉट वेंट इट आउट इन अ वे, तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू प्रोजेक्ट इन माय पेंटिंग्स। अच्छा जबरदस्त पोटे होता है आर्टिस्ट का, किस पोटे, किस थीम के जो आप पेंटिंग्स बनाती हैं, वो स्पेसिफिक जो पता होता है ना, सिग्नेचर होता है कि अच्छा ये अलीहा की पेंटिंग्स है, वो क्या है? हाँ मेरा ये था कि ट्रेडिशनल मिनिएचर वोकैबुलरी मैंने यूज़ की थी, क्योंकि ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग्स वर बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसमें जो मुगल एम्परर्स थे वो अपनी स्टोरीज डे टू डे हैपनिंग्स पेंट करवाते थे या इम्पोर्टेंट इवेंट्स, राइट, और फिर उसको बहुत ज़्यादा एसेंशुएट किया जाता था बॉर्डर्स के साथ। सो आई एक्सट्रैक्टेड द आइडिया ऑफ दैट बॉर्डर एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग माई सब्जेक्टिव रियालिटी इन टू इट, और मैंने उसमें पेंट करना शुरू कर दिया खुद को और अपनी स्टोरी को। सो आई कॉल माई पेंटिंग्स सेल्फ पोर्ट्रेट्स। अच्छा एग्जीबिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मार्केटिंग भी होनी चाहिए, फिर अपनी पेंटिंग्स दिखाना भी है, कहाँ कहाँ एग्जीबिशन? हाँ एक एग्जीबिशन सबसे पहला तो हुआ था व्हेन आई वाज इन एनसीए, इट वाज अ ग्रुप शो और वो हमारा थर्ड ईयर में आई गेस हुआ था, तो वो विद इन एनसीए ज़हूरुल क्लार्क गैलरी में हुआ था। उसके बाद जो दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन जो ऑफिशियली हुआ था वो हुआ था इस्लामाबाद में, इट वाज विद माय आर्ट वर्ल्ड, तो देयर वाज दिस यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन जो हुआ था वहाँ पे। और उसके बाद फिर जो अभी रिसेंटली हुआ है वो आर्ट स्पेस में। अच्छा अलीहा अभी हम पेंटिंग्स की बात तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक पेंटिंग के लिए आपको एक फेस चाहिए, क्योंकि उसको इमेजिन करना, उसके लिए सोचना, हर डिफरेंट फेज होता है, मतलब कुछ अकेले में बैठना सोचना चाहते हैं, कुछ चलते फिरते, मतलब हर एक का डिफरेंट फेज है जितना मैंने इंटरेक्ट किया है। आपके लिए क्या है वो चीज़? अच्छा ऐसे अकेले में बैठना या उस तरह से नहीं है, चलते वो ये होता है कि देयर इज मतलब एज आई सेड दैट आई एम ट्राइंग टू पेंट दिस आइडिया ऑफ अ सब्जेक्टिव यू नो अप्रोच, के देयर इज दिस फेस्टरिंग वुंड जिसको मैं पेंट करना चाह रही हूँ एंड एन एबनॉर्मल ग्रोथ। सो आई टुक माई आइडिया फ्रॉम कैंसर, कैंसर का जो मतलब है मींस एन एबनॉर्मल ग्रोथ, अ प्रोट्रूजन ऑफ सॉर्ट्स, अ थिंग विच इज देयर विच एग्जिस्ट, मगर उसकी एग्जिस्टेंस इतनी पेनफुल होती है और वो ग्रो करती रहती है इन टू दिस
something really painful and you know this protrusion of sorts जो कि acceptable नहीं होती. तो इस तरह के जो भी happenings होती हैं day to day life में in my experience या कुछ भी, so I just take that idea कुछ भी ऐसा जो कि out of the blue हो या बहुत मतलब मेरे लिए disturbing हो, I just extract that idea and I start thinking on in terms के मुझे इसको कैसे paint करना है या मैं इसको कैसे portray कर सकती हूँ कि जो मुझे feel हो रहा है वो मेरे painting के through शायद किसी और viewer को किसी देखने वाले को वो. Wish you a very best of luck Aliya, thank you so much for coming और बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह से तरक्की करें और आपकी पेंटिंग हमें देखने को मिले. थैंक यू सो मच. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको लाहौर के हालात भी बताएंगे और सिंगर से भी मिलवाएंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.